जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती 2024। जी हां साथियों, जो 12वीं लेवल की जो भर्ती है, जिसने सीईटी दी है 12वीं लेवल की, वो ही इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। और इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी संपूर्ण जानकारी भर्ती के लेवल की हमने बता रखी है। और ये जो वीडियो है, ये उन भाई बहनों के लिए है जिसने कमेंट किया था कि सर हमें ये बताओ कि वर्गवार और जातिवार कितने कितने पद आ रहे हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग भाई बहन, उनके विधवा महिलाएं, उनके कितने कितने पद आ रहे हैं साथियों। तो उसी से संबंधित ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कितने पद हैं। बिल्कुल साथियों, क्योंकि आपने कमेंट किया था और हर कमेंट का जवाब हम देते हैं साथियों। और जो भी आपकी डिमांड होती है कि सर इसकी वीडियो लेकर के आइए, तो उसकी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन सी जाति के कितने कितने पद हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब दिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। अब देखते हैं भाई, फटाफट आ जाओ। राजस्थान छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती 2024, कौन कौन सी जाति वर्ग के कितने पद हैं, ये हम इसमें देख लेंगे। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, खिलाड़ी, दिव्यांग, जो भी हैं उनके सारा का पद बताऊंगा अलग अलग। नॉन टीएसपी का 110 पद है और टीएसपी का 2 पद, यानी कि टोटल पद 112 है। इस भर्ती में टोटल 112 पद हैं और एक भर्ती और है जिसमें 335 पद हैं, वो स्नातक वाली सीईटी अगर आपने दी है तो आप उस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उसके भी हमने पद भी अलग अलग बता रखे हैं और उस भर्ती के बारे में भी अलग से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लो। और ये जो है, ये भी छात्रावास अधीक्षक की है, लेकिन इसमें 12वीं की सीईटी अगर आपने दी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें पद कम है साथियों, इसमें 112 है, उसमें 335 है, ठीक है साहब। तो इसकी वीडियो ये है और इसके जो दूसरी वाली स्नातक वाली है उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके आवेदन 20 फरवरी से शुरू है, 20 मार्च लास्ट डेट रहेगी। अगर कोई भी भाई 12वीं स्नातक वाली कोई सी भी सीईटी दी है तो आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। 12वीं की सीईटी दी तो एम कर दो, स्नातक की सीईटी दी है तो दूसरी में कर दो, 335 पदों वाली, ठीक है। अब फटाफट से पद देख लें। देखो, नॉन टीएसपी में 110 पद हैं और टीएसपी में मात्र 2 ही पद हैं। टीएसपी में मात्र 2 ही पद हैं, वो भी जनरल के पुरुष के 2 पद हैं, बाकी सारो खातों साफ होगो, देख लो एक भी पद नहीं है कहीं पे भी, दिव्यांग, भूतपूर्व खिलाड़ी, सब साफ खातों, सिर्फ और सिर्फ 2 पद हैं टीएसपी में। टीएसपी कौन सा क्षेत्र है? वो वाला उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, समझ रहे हो, बांसवाड़ा, वो वाला क्षेत्र है, उसमें केवल 2 पद हैं, ये जनरल पुरुष के हैं। अब साहब बाकी का ही बचा जो फोरम कैड लगाऊंगा, इस सारा का सारा एम ए लगाऊंगा फोरम, नॉन टीएसपी में, क्योंकि यहां तो पद है नहीं, तो अब ये तो यहां लगाएंगे, बिल्कुल। अब ए की बात करा फटाफट सारी बता दूंगा। देखो, जनरल में पुरुष, महिला, विधवा, परित्यक्ता, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सहरिया, 12, खिलाड़ी, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, सारा की अलग अलग पोस्ट बता दूंगा थान कितने कितने पद है वो। देखो जनरल की बात करा सबसे पहली, जनरल में देखो सामान्य जो पुरुष हैं उनके 30 पद हैं, महिलाएं हैं 9 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं, जो विधवा महिला है, परित्यक्ता की एक भी सीट नहीं है। अब ओबीसी में बात करा तो ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी का मतलब ए से पुरुष, बी से महिला, सी से विधवा, डी से परित्यक्ता, तो ए से आदमी, आदमी का कितना 17 पद, क्या मैं ओबीसी में, और बी से बैरवानी, बैरवानी का कितना पद, 5 पद ओबीसी में, सी से विधवा का 1 पद और परित्यक्ता कुछ नहीं है, ठीक है साहब, समझ में आगो ना। ए बी सी डी को मतलब ए से आदमी का 17 पद ओबीसी, बी से बैरवानी का 5 पद ओबीसी, और ओबीसी में सी विधवा महिला का 1 पद, परित्यक्ता का नहीं है। एमबीसी में जो गुजरों के महिला पुरुष, भाई बहन, माता बहने हैं जो हमारी, उनके लिए पद देखो एमबीसी में, ए से आदमी का 4 पद, बैरवानी को 1 पद,
विधवा और परित्यक्ता कुछ नहीं है, बस बस साहब, कटगोरो कटगो साहब। ईडब्ल्यूएस में देखो फटाफट, ईडब्ल्यूएस में जो भी गरीब परिवार से हैं, जैसे भाई शर्मा है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई भी बड़ा है पर जो जनरल कैटेगरी में आते थे वो गरीब हैं जो सारे इसमें आ गए अब। अच्छा ए में देखो, आदमी 7 पद, बैरबानी 2 पद, यानी कि पुरुष 7 महिला 2, विधवा का 1 है और परित्यक्ता नहीं है। ये हो गया ईडब्ल्यूएस का, ठीक है साहब। एससी में बात करा तो पुरुष का 12, महिला का 4, विधवा का 1, परित्यक्ता कुछ नहीं। एसटी की बात करा तो पुरुष का 10, महिला का 2, विधवा महिला का 1, परित्यक्ता का कुछ नहीं। और शहरिया 12 जनजाति को तो खातों ही साफ हो गो साहब, देख लो डैश 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 कुछ भी नहीं, 0। अच्छा दिव्यांगजन टोटल नॉन टीएसपी में 110 पद से, जमा से दिव्यांगजन का 5 पद, एक्स सर्विसमैन में जनरल वालों का 5, ओबीसी का 2, एमबीसी का कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी गुजर है और वो अपने एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 पद, एससी में 2 पद, एसटी में 1 पद, और कोई खिलाड़ी है तो 2 पद है उनके लिए, ठीक है साहब। या लो थारो संपूर्ण जानकारी बता दिया, अगर कोई भी 12वीं सीटी दिया है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। पद मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। और योजना से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमसे ओमवीर योजना के चैनल पर जुड़ सकते हैं और रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल में सबसे पहले पा सकते हैं। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।